चक्षुरुं लिखं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तरभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। कालिन्दितन्नतटया स्फुरदमन्दवृन्दावनं विहाय लवनामुदं पुलिनपुष्पवाटिव्रतं दितारुणाकपटसुपीतवासहरिः तिरोहितनिजशवीशिगौरङ्गमेवती वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षाय कर्तम सपुरुषम पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुदे वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्य अस्ते हृदय संवित तं दर्शयन्नं भजे। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्य क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु एक साधक पांच प्रकार की दशाओं से निकलता है। वे पांच दशा कौन सी हुई? श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, प्रापण दशा। कृष्ण अनुशीलन, अब रोज हम रिपीट करेंगे, स्मरण रहेगा ना। अनुशीलन पांच प्रकार का होता है, शरीरगत अनुशीलन, मनोगत अनुशीलन, आत्मगत अनुशीलन, प्रकृतिगत अनुशीलन, समाजगत अनुशीलन। सबसे पहला शरीरगत अनुशीलन, जिसमें सात प्रकार हैं। पहला क्या हुआ? श्रवणगत, कीर्तनगत, अभ्यानगत, दर्शनगत, स्पर्शगत, स्वादगत, अंगगत। सात प्रकार के, सबको याद हो गया। फिर मनोगत अनुशीलन, वो कितने प्रकार का? पांच प्रकार। कौन से पांच? स्मृति, ध्यान, शरणागति, दास्य, जिज्ञासा। पांच प्रकार, ठीक है। बस इतना ही था। आत्मगत अनुशीलन छह प्रकार का, सख्य, आत्मनिवेदन, भगवान के लिए अखिल चेष्टा, प्रयोजन मात्र विशेष स्वीकार, और भगवान के लिए अखिल भोग तैयार, और साधु वर्तमान वर्तमान। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण भी किया और हमने इसको याद भी किया। अच्छा, चौथा जो बताया प्रकृतिगत अनुशीलन, इसके संबंध में कह रहे हैं प्रकृतिगत अनुशीलन का अर्थ क्या? बोलते देश, काल और द्रव्यगत भगवत अनुशीलन। प्रकृति का अर्थ मतलब देश, काल और द्रव्यगत भगवत अनुशीलन। ये प्रकृतिगत अनुशीलन के तीन भाग हैं, देशगत अनुशीलन, कालगत अनुशीलन और
द्रव्यगत अनुशीलन। ठीक है, कह रहे हैं वैद्य भक्त शरीर मन और आत्मा द्वारा भगवत अनुशीलन करके ही संतुष्ट नहीं होते। अभी तक क्या श्रवण किया? शरीर का अनुशीलन, मन का अनुशीलन और आत्मगत अनुशीलन होते। इतना करने पर भी वह संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वह इसके अतिरिक्त आवरण स्वरूप एक प्राकृत जगत को भी देखते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, किनका वचन है ये? मायावादी शंकर भाष्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या। ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत क्या है? मिथ्या है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है? ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, क्योंकि जगत की सृष्टि किसके द्वारा की गई? बहिरंगा शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि की गई है ना। उसमें सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति साधन शक्ति सृष्टि बहिरंगा शक्ति त्रिगुणात्मक शक्ति सत्व रज और तमगुण त्रिगुणात्मक शक्ति के माध्यम से जगत की सृष्टि। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधक शक्ति किसके द्वारा? बोले दुर्गा जी के द्वारा, भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो इसलिए फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, फिर कहते हैं भगवान ने सृष्टि की। तो विचार करो, वास्तव में भगवान की इच्छा है सृष्टि को, उस भगवान की इच्छा को भगवान के ही पुरुष अवतार, तीन पुरुष अवतार कर्म दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु, सृष्टि को भगवान की इस इच्छा को, श्री कृष्ण की इच्छा को आगे संपन्न करते। उसमें कर्म दक्षाय विष्णु माया की ओर दृष्टिपात करते। ठीक है, उन माया की ओर जो दृष्टिपात किया जाता है तो महाविष्णु के दोनों भावों के बीच में से एक ज्योति निकलती है। उस ज्योति का जो छाया है वह है शंभु, और भगवान की नित्य शक्ति है रमा देवी, मतलब लक्ष्मी जी। उन रमा जी की छाया है योनि, जिनके माध्यम से शिव और ये उनकी शक्ति मतलब लिंग और योनि के माध्यम से सृष्टि होती है। समझ रहे? तो इसलिए जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? इस जगत की सृष्टि भगवान की इच्छा से, पुरुष अवतार की इच्छा से, फिर उनके आगे गुण अवतार शंभु इत्यादि के माध्यम से इस जगत की सृष्टि हुई। इसलिए ब्रह्म भी सत्य और जगत भी सत्य, जीव भी सत्य। तो एक वैष्णव विचार से वे वैद भक्त क्या दर्शन करते हैं? बोलते हैं तीन प्रकार के अनुशीलन के अतिरिक्त वे इस प्राकृत जगत को भी देखते हैं जो आवरण स्वरूप है। जगत तो सत्य है लेकिन आवरण है, इसका आवरण है, तो इस जगत को देखते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि मेरा ये शरीर और इसमें स्थित मन तथा आत्मा इस जगत के अत्यंत शुद्र अंश है। ये जगत भी सत्य है, मैं भी इस जगत में हूं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, यदि मैं देखूं तो इस जगत का क्या है? एक बड़ा क्षुद्र अंश है, एक छोटा सा क्षुद्र अंश है। हम भगवान के अंश तो हैं, तो भगवान के साथ भेद और अभेद भी है। अभेद भी है, भगवान नित्य वस्तु, हम भी नित्य वस्तु, भगवान सनातन, हम भी सनातन, अभेद है। परंतु अभेद और भेद में अधिक क्या है? मतलब भेद अधिक है।
भेद अधिक है, वे वृहत हैं, हम अनु हैं। तो इसका उदाहरण दिया गया जैसे सूर्य कितना तेजवान और सूर्य में से कितनी किरणें निकलती हैं, 10-15-20 अनंत कोटि किरणें सूर्य से निकलती हैं। उन अनंत कोटि किरणों से एक किरण जो हमारी खिड़की से आ रही है, उस एक किरण में कितने सारे छोटे छोटे कीटाणु दिखते हैं, वो धूल कणा दिखते हैं, सॉरी वो धूल कणा में से एक वो कणा वो हम हैं। कहां इतने सैकड़ों कणा, करोड़ों खरबों कणे एक किरण में, और ऐसी भगवान की अनंत किरणें। भगवान बृहत वस्तु और हम अनु वस्तु। इसलिए मन में विचार करता है साधक, मैं इस जगत का एक क्षुद्र अंश हूं। जैसे हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से कहा, मैं इस जगत से चला जाऊंगा तो इस जगत का क्या नुकसान होगा, कोई क्षति होगी, मैं तो एक क्षुद्र एक अंश हूं, एक छोटा सा एक इस जगत का हिस्सा हूं। तो संपूर्ण जगत मेरे प्रभु का गुणगान करे, उस भक्त की इच्छा क्या है, सारा जगत मेरे प्रभु का गुणगान गाए, क्योंकि मैं भी अपने प्रभु के गुणगान गाता हूं और उसी में संलग्न रहना चाहता हूं, तो सारा जगत क्यों नहीं करता। तो उसको निराशा होती है लोगों को देखकर, जगत के वासियों को देखकर कैसे भोग कर रहे हैं, भगवान से विमुख हुए पड़े हैं। तो यहां पर अलग अलग दृष्टि, एक दृष्टि तो ये कहती है कि ये संक्रामक रोग चल रहा है, कंटेजियस डिजीज वायरस चल रहा है, ये भगवान सब ठीक हो जाए, सब अच्छे से हो जाए और फिर जैसे पहले था वैसे ही चलेंगे। तो एक दृष्टि कहती है क्यों अच्छे से हो जाए, लोग और अधिक से अधिक भोग करें, प्रकृति का दुरुपयोग करें, कहा तो सुना 2-5 दिन पहले, कहा तो सब लोग अपने घर में खाने पीने की खाद्य सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, न जाने कब क्या हो जाए, इमरजेंसी लग जाए, क्या हो जाए, खाना ही खत्म हो जाए, तो 4-5 महीने का स्टॉक रख लिया, सब जगह रख रहे हैं ना पूरे संसार में, किसके लिए, जीवन निर्वाह हो जाए। लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि क्या, अरे कम से कम 15-20 विस्की की बोतलें तो रख लो, फिर वो नहीं मिलेगी तो, क्योंकि रोज रह नहीं सकते उसके बिना। उसको इसकी चिंता पड़ गई, कहा खाने पीने की चिंता हो रही है, अपने जीवन मरण के चिंता में पड़े हैं सब, और उनको पड़ी है पीने की। तो इसलिए किसलिए सब ठीक हो जाए, फिर से सब लोग भोग करें प्रकृति का, भगवान की सुविधा को भोग करें और पाप करें, नहीं हो ऐसे ही रहे, दंड मिलना चाहिए। तो एक दृष्टि तो ये कहती है, और सच में ऐसे ही होगा कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा तो सब भोग में आ जाएंगे ना, अभी तो फिर थोड़ा सा डरे हुए, पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन जब ठीक हो जाएगा तो फिर और जी खोलकर भोग होगा। और दूसरी दृष्टि क्या कहती है, ये भगवान सबका मंगल हो, विमुख है आपसे, ये दयामय, दया करो। दया करो का मतलब क्या, सबको और भोग की सामग्री दे दो, नहीं, सबकी प्रवृत्ति को बदल दो, ये दया। तो जो प्रहलाद महाराज जी ने जो प्रार्थना की, जो वासुदेव जी ने प्रार्थना की, जो गौरीदास पंडित जी ने प्रार्थना की कि सर्व जीव उद्धरे, सारे जीवों का उद्धार हो जाए, उसका मतलब क्या, बस जहां पर है वही मर जाए और गोलोक चले जाए, ऐसा होता है क्रम, जो भक्ति का साधन का जो क्रम है उसके बिना करे हो जाएगा, निष्ठा रुचि असक्ति भाव प्रेम के बिना भगवत गति हो जाएगी, इतना सस्ता है क्या, हर व्यक्ति को इस क्रम में आना ही पड़ेगा,
लेकिन ये क्रम क्या हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए। गाड़ी चलाते हो ना, एक्सीलेटर होता है ना, एक्सीलेटर में पांव दबाओ, जितना दबाओ उतना गाड़ी तो एक्सेलरेट हो जाए, बढ़ जाए। ये अर्थ है। जब नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद तुमने जीवों के लिए इतनी प्रार्थना की, इतनी चिंता है, तो ठीक है मैं भी वर देता हूँ, जिन जिनका आप चिंतन करोगे उन सबका उद्धार मैं कर दूंगा। प्रहलाद जी जिस जिसका जिन जिनके साथ संबंध था उनका स्मरण करने लगे और उनका उद्धार होने लग गया। उद्धार होने लगने का मतलब क्या, वहीं पर मर गए और भगवत धाम चले गए, ये उद्धार मतलब नहीं होता। सबको भक्ति मार्ग में आ गए, सब लोग भगवान के उन्मुख हो गए, ये होता है उद्धार। इससे बढ़कर उद्धार की और कोई डेफिनेशन नहीं, भगवान के उन्मुख हो जाना, समझ गए। तो क्या जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला व्यक्ति वो भगवान के उन्मुख होता है, क्या ये उन्मुखता है? योगी जो परमात्मा का ध्यान करता है ये उन्मुखता है? भगवान की पूजा पाठ उपासना करना ये उन्मुखता है? नहीं। यहां पर उन्मुख का अर्थ ये नहीं है। उन्मुख का अर्थ क्या है? अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलना। जब तक ये अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलना नहीं होगा ये उन्मुखता नहीं है। भले उसमें कैटेगरी नीचे हो, आरंभ अवस्था हो, इंद्रियों से मन से झुलस रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान को इसी में आनंद और सुख मिलता है। अच्छा मेरे लिए कर रहा है ना, घर में पिता एक छोटे से बच्चे को, ये 3-2 साल का बच्चा भी रेंगता है, तो पिता उसको बोलता है ला ला गुजरा ला मेरे पास, उस सामने एक वस्तु पड़ी उठा के ला, और पता है पिता को उठा नहीं पाएगा, लेकिन बच्चा बड़ी शेखी दिखाता है, उठाता है वैसे घसीटता है, थोड़ा जोर लगाता है, और ये देखकर पिता को क्या होता है? आनंद और सुख मिलता है। प्रयास तो कर रहा है, मेरे पास लाने की इच्छा तो कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, सुख मिलता ना, और पता है पिता को ये भारी वस्तु है। वैसे ही भक्ति मार्ग यह कंटव होती रुदा, भक्ति मार्ग इतना सरल सीधा उपाय नहीं है। भक्ति सरल है लेकिन इस मार्ग पर चलना सरल नहीं है, नाना प्रकार की बाधाएं हैं, नाना प्रकार की बाधाएं। एक श्लोक बहुत वर्ष पहले देखा था, अभी स्मरण नहीं, उसमें एक भाव बताए। जब एक शिष्य गुरुदेव के चरणों की बड़े सुष्ट रूप से सेवा करता है, अब गुरुदेव की सेवा करने का अर्थ मतलब कि अब गुरु जी तो है नहीं, अप्रकट है, तो कैसे चरणों की सेवा होगी? तो सामने गुरु जी हैं तो चरण दबाकर ही ये सेवा होती है, चरण सेवा का यही होता है। गुरु जी को तेल लगा दिया, सिर पे तेल लगा दिया, चरण दबा दिया, गुरु जी की चरणों की सेवा होगी? नहीं। हर प्रकार का कृष्ण अनुशीलन गुरु सेवा है। मठ मंदिर का निर्माण, मठ मंदिर का संरक्षण, शिव विग्रह की सेवा, जो पुजारी जब ठाकुर जी की सेवा करता है तो पहले गुरु जी से प्रार्थना करता है कि गुरुदेव आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, मैं तो आपका एक प्रतिनिधि बनकर, आपका सेवक बनकर बस सामग्री इकट्ठा करता हूं। तो ये सब गुरुदेव की सेवा है। रसोई करना गुरुदेव की सेवा है। ये गुरु मठ बनाने का अर्थ क्या? सेवाओं का विस्तार करना। गुरुदेव सेवाओं का विस्तार करते हैं, तो ये सब गुरु चरणों की सेवा है। सब, यहां तक कि जो भक्त आकर अपना घर परिवार चलाते हुए भी मठ में कुछ दक्षिणा दे देते हैं, गुरु स्थान समझकर महीने के आरंभ में ही, प्रभुपाद जी के समय में ऐसा होता था कि महीने के अंत में या अगले महीने के आरंभ में एक भाग गुरु सेवा के लिए और एक भाग गुरु स्थान के लिए
निकाल के रख दिया जाता है, वो फिर कोई सामग्री हो या फिर दक्षिणा हो, उसमें विचार ये होता है ये गुरु स्थान के लिए जाएगा। जैसे श्री मदन मोहन सेठ है ना, ग्रस्त आश्रम में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के ग्रस्त शिष्य, हमने उनको देखा, दर्शन का सौभाग्य मिला, दिन रात नाम जप करते हैं और उनके मुंह में एक ही शब्द बार बार उच्चारण होता था। क्या उच्चारण होता था? प्रभुपाद 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 ऐसे बोलते रहते। हम उनके हम वो चेयर पे बैठते थे, हम नीचे चरणों में बैठे उनके, तो बस इधर उधर देखेंगे प्रभुपाद 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 हरे कृष्णा एक माला जैसे पूरी हुई, या फिर माला अगर रखी हुई है तो खाली बैठे तो बस मुंह का सब समय हिलता रहता है, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हमने देखा एक बार उनको गांव में एक भूत ने पकड़ लिया तो इनका अभ्यास है क्या बोलना, तो भूत ने अपना पूरा प्रयास कर लिया और इन्होंने बोला प्रभुपाद, भूत भाग गया नाम सुनने से। लेकिन ग्रस्त आश्रम होने पर भी गुरु जी के प्रति और अपने गुरु स्थान के प्रति कैसा आदर्श इन्होंने दिखलाया ग्रस्त आश्रम में रहते हुए, ये हमको सीखना पड़ेगा। क्या किया, जब काम करते थे तो जितना भी उनको महीने में जो मासिक वेतन मिलता था उसका अग्र भाग, ये नहीं जो बच जाएगा देखा जाएगा, बच जाएगा वो तो बात की बात है, जब घर में कोई केला सेब सब्जी कुछ लाता है तो घर वालों को तो खिलाना होता है, तो पहले क्या करते हैं अग्र भाग रख देते हैं, इससे व्यक्ति की निष्ठा पता लगती है, इससे उसका चिंतन पता लगता है, इससे उसकी भावना पता लगती है। महीने में जितना कमाया उसका 1% हो, मतलब कुछ भी हो, 10 रुपया हो, वो उसके अमाउंट में रकम पे नहीं जा रहे, भावना का महत्व है, लेकिन अग्र भाग निकाल कर पहले रख देते हैं और अपने हाथ से जाकर प्रभुपाद जी को अर्पण करते, अपने हाथ से अग्र भाग। प्रभुपाद जी प्रकट हो गए 31 दिसंबर, तो क्या उन्होंने वो जो अभ्यास था देने का छोड़ दिया? नहीं, अब प्रभुपाद जी नहीं है लेकिन प्रभुपाद का स्थान वे गुरु स्थान तो है, और फिर इनका भी रिटायरमेंट हो गई इनकी भी, अब रिटायरमेंट तो कम पैसा मिलता ना, लेकिन उस कम पैसे का भी फिर एक भाग जाकर मठ में देकर आते, किस भावना से, बोलते गुरु जी तो चले गए अब कौन देख रहा है, गुरु जी चले गए तो जो गुरु स्थान है उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये सारी सेवा गुरु जी के अनुगत में की जाती है, कोई भी सेवा, पब्लिकेशन कार्य हो, कुछ याद करना हो, कथा कहनी हो, रसोई करनी हो, मार्जन करना हो, ये सब गुरु चरणों की सेवा है, सब गुरु जी विस्तार करते हैं इस सेवा का, तो इसलिए गुरु स्थान पर जाकर देते। इनके कुछ बेटा बेटियां भी हैं, अभी भी हैं, वो हमको मिलते हैं कभी कभी परिक्रमा में नवदीप में मायापुर में, तो अपने बेटाओं से भी कहते हैं, दो पुत्र हैं शायद, उनको बोलते लाओ महीने का अग्रभाग हमको दो, और बेटों को भी पता है कि पिताजी अगर भाग कर क्या करेंगे, जाकर गुरु स्थान पर देकर आते, अपना तो देते ही देते जो रिटायरमेंट का मिल रहा है, लेकिन अपने बेटों का भी, दोनों बेटों से भी थोड़ा थोड़ा लेते और जाकर गुरु स्थान पर देकर आते। फिर कन्या है, उनका विवाह हुआ, कोई जमाई से पैसा लेता है, अच्छा लगता है? पिता अपने जमाई से पैसा लेता अच्छा लगता है? एक जमाना ऐसा था कि पुत्री के बेटी के घर में जाकर पानी भी नहीं पिया जाता था, हमने देखा ही
20-25 साल पहले बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे माता पिता, हाँ कुछ भी नहीं खाते थे, अपना लेकर आते थे। तो क्या जमाई से पैसा लेना अच्छा लगता है? लेकिन अपने जमाई को भी बोलते थे लाओ महीना महीना हमको दो। किसी ने उनको बोला मदन मोहन सेठ पुत्रों से तो लेते हो, जमाई से लेता अच्छा लगता है? तो ये क्या बोलते थे, इनका क्या विचार था? कहते थे मैंने अपना जीवन अपने गुरु जी को समर्पित किया है, वे प्रकट है या अप्रकट है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य प्रकट हो कि अप्रकट हो तब भी सूर्य की स्थिति रहती है। मेरे गुरु जी अप्रकट होते हुए भी प्रकट हैं। इसलिए जब मैं अपना कल्याण की सोच सकता हूं तो क्या मैं अपने पुत्रों के कल्याण की नहीं सोचूंगा? वो मेरे पुत्र हैं, मैं उनसे अगर अग्रभाग लेकर गुरु स्थान पर नहीं रहूंगा ये लोग तो भोग में लगाएंगे, और इनसे अग्रभाग लेकर मैं जब गुरु स्थान पर देता हूं तो क्या होता है, इनका शुद्धिकरण होता है, इनकी सुकृति बनेगी, इनकी भक्ति बढ़ेगी और गुरु चरणों में निष्ठा बढ़ेगी, सब कुछ होगा। वो तो मेरा कर्तव्य है अपने पुत्रों का भी भाग लेकर मैं गुरु स्थान पर दूं। और क्या जमाई मेरा पुत्र नहीं, क्या वो मेरा पुत्र नहीं? क्या मैं अपनी बेटी के जिससे विवाह किया मैं उससे द्वेष करूंगा, उस पर हिंसा करूंगा? मैं भी मेरे पुत्र के समान है, तो जैसे मैं अपने पुत्रों को देखता हूं उसको भी अपने पुत्र के रूप में देखता हूं, इसलिए उससे भी लेकर गुरु स्थान पर दूंगा। तब इन्होंने एक और विचार किया, अपने घर के पीछे आंगन में आम का पेड़ लगाया कि मैं अब वृद्ध हो गया, बाहर आने जाने लायक तो रहा नहीं, कुछ तो गुरु स्थान के लिए कुछ सेवा मेरे हाथों से बन पाए। तो आम का बीज लगाया, पौधा लगाया, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसमें रोज जल डालते, खाद डालते, पूरा ध्यान रखते, किस भावना से जब इसमें आम आएंगे वो फल आएगा तो वो ये सिर्फ गुरु स्थान के लिए, अपने घर के लिए नहीं, गुरु जी की सेवा के लिए। मेरे शरीर की कोई भी एक सेवा गुरु जी को लग जाएगी, इसका फल, इसकी देखरेख मैं करता हूं अपने पुत्र की तरह, तो इसका फल मैं गुरु स्थान को अर्पण करूंगा। कितनी गुरु निष्ठा है, जब फल आए तो इनके बालकों ने जो पहला फल आया बालक ने उठाकर खा लिया। अभी कब की बात है मेरे को ठीक से याद नहीं। और जब ये घर आए इनकी पत्नी ने बोल दिया कि ये फल उसने खा लिया बेटे, तो इतनी डांट लगाई अपनी पत्नी को, मैंने पहले से ही कहा था ये हमारे घर के लिए नहीं है, ये गुरु स्थान के लिए है। और एक डंडा लिया, बेटे को इतना मारा, इतना पीटा, इतना मारा। ये हमारे भारत में ही ये हम कोई सुन सकते हैं, बाहर हम ये कथा को बोलते हैं ना उठ के चले जाते हैं कथा, क्योंकि वहां तो ये वायलेंस है, वहां पर तो कल्चर दूसरा है ना। वो नाराज होकर चली गई, एक बार मैंने कथा सुना दी, अपने बच्चों को उठाया उठ के चली गई दो माताएं, मैं समझा कोई काम होगा, आई नहीं तीन चार दिन कथा में। तो मैंने फिर पूछा भक्तों से क्या बात है, बोलते महाराज ये आप यूरोप में अमेरिका में ये बात मत बोल दो, ये लोग तो बड़ा बिगड़ जाते हैं सुनकर, कहते हैं बच्चों पर इतना वायलेंस करते हैं, कैसे माता पिता प्रेम नहीं है। लेकिन हम तो भारत का कल्चर है ना, यहाँ तो अध्यापक भी स्कूल में भी घर में भी यहाँ मारता था दस्तर बैंत जो भी था खूब पिटाई हुई, हम तो पीट पीट के बड़े हुए। मैं अपनी ही कह रहा हूँ, मैंने आज तक जीवन में थप्पड़ नहीं खाया किसी से भी, आप लोगों की बात कह रहा हूँ मेरे साथ कभी हुआ नहीं है इससे उसका अनुभव मुझको हुआ नहीं तो अपनी अनुभूति नहीं है, लेकिन जो भी हो चलो उसकी बात है। लेकिन मदन मोहन प्रभु अपने
अपने बच्चे को ऐसा मतलब पूरा छील दिया पीठ, गिर गया बच्चा, तब कहीं छोड़ो उसे। कैसे तुमने गुरु स्थान को के सामग्री को तुमने हाथ भी लगाया। अब देखने में लग रहा है तो बड़ा अत्याचार है, लेकिन वही बच्चे अब बड़े हो गए ना, मिलते हैं तो बोलते हैं उस समय पिताजी ने जो हमको पीटा आज तक वो मारे याद आती है, हम इंसान बन गए। क्यों? तब से मन में एक बात बैठ गई कि गुरु स्थान का इतना महत्व है। तब से मन में बात बैठ गई ये अग्रभाग देना इतना महत्व है। तब से मन में बात बैठ गई और बोलते हैं आज पिताजी की कृपा से हम लोग भक्ति में लगे हुए। और जब ये बात बोलते मतलब मैं क्या हूँ, मेरा भी रोना आ रहा है। वो रोते थे हमारे साथ, बोलते पिताजी अगर हमको भक्ति में नहीं लगाते, मार कर पीट कर, आज हम बाहर विमुख लोगों की तरह संसार में पड़े हुए। ये पिताजी की कृपा है, उन्होंने उस मार को उस डांट को भी प्रसाद समझा। अब ये तो दृष्टिकोण है, उन्होंने इस पर उन्होंने इस क्रिया को उस पिटाई को प्रसाद समझा कि पिताजी ने लगा दिया, नहीं तो हम तो आज बस संसार में पड़े होते। पूरा परिवार, उनके आगे बच्चे सब भक्ति करते हैं, पूरा खानदान ही पूरा भक्ति करता है, किसके? एक मदन मोहन प्रभु के, एक अपने गुरु निष्ठा के कारण। कौन है ये? नाना जी। किसके? हमारे जो बोधायन महाराज जी, उनके नाना जी। पूरा परिवार, दूर दूर तक पूरा कुटुंब ही सब भक्ति करता है, वैष्णव है सब, दूर दूर तक आगे बच्चे भी। ये गुरु निष्ठा का कैसा एक आदर्श है, क्या बहुत बड़ी बात है ऐसा करना। अरे 10,000 रुपये कोई महीना कमाता है, 100 रुपया अगर एक अग्रभाग निकाल करके गुरु स्थान को जाएगा, क्या हानि है? एक तिल का एक तिल, घर के लिए हम फल लाते हैं, सामग्री लाते हैं, अगर विचार करें अपने गुरु जी के लिए या मठ के लिए हम समर्पित करें, आप आशीर्वाद किसको मिलेगा? पड़ोसी को ना, आपको स्वयं। ये ग्रस्तों के लिए, तो ये बात नहीं कि सन्यासी ब्रह्मचारी जो संसार त्याग करके मठ में बैठे सिर्फ वे ही संसार के मंगल की चिंता करता है, वो बात नहीं। ग्रस्त में भी वैष्णव रहकर संसार की चिंता करते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण। रूपा जी ने जो बाग बाजार मठ बनाया, कलकत्ता का सबसे पहला इतना विराट विशाल मठ, जिसको बोलते हैं कलकत्ता का सबसे पॉश एरिया, सबसे महंगा एरिया में उन्होंने अपने गुरु जी को सारे जीवन की जो कमाई थी रूपा जी को अर्पण कर दिया। उनका नाम था, ये बात मैंने श्रील भारती महाराज जी से श्रवण की, हमको तो कुछ भी नहीं पता था, महाराज जी बताते थे ये बात। उनका नाम था जगबंधु प्रभु, श्रीपाल जगबंधु प्रभु। तो बहुत धनी थे कलकत्ता के सेठ, क्योंकि उस समय आप लोग हम लोग तो नहीं जानते, वो पुरानी पीढ़ी वाले जो उनको पता है, पहले स्याही जो इंक होती थी, ये तो हम लोग भी देखते थे ना, वो इंक होती थी ना, ड्रॉपर लेकर उसमें डालते थे पेन में, फिर लिखते थे, रिफिल करते थे। उससे भी पहले एक जमाना था जहाँ पर वो इंक टैबलेट के रूप में आती थी, ये हम लोग नहीं जानते, हमारे पिता दादा वो लोग जानते हैं। तो वो टैबलेट JBD नाम से वो टैबलेट बिकती थी, उसको फिर डाइल्यूट करते थे, वो इंक बन जाती थी, ये उनका काम था। और बहुत धनी थे। रूपा जी की कथा सुनी, बड़ा आकर्षण हुआ, रूपा जी को समर्पित हुए दीक्षा इत्यादि में। फिर मन में विचार करने लगे, सारे मठ के ब्रह्मचारी सन्यासी की सेवा करते हैं, मैं कैसे सेवा करूं? और मैं तो बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, शरीर में वो सक्षम वो समर्थ तो नहीं कि मैं रसोई करूं के सफाई करूं, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैंने अपने सारे जीवन में जो कमाई की है वही मेरी एनर्जी है,
उस कमाई को ही मैं प्रभुपाद जी को अर्पण करूंगा। तो फिर उन्होंने ये लैंड खरीद के मठ बनाकर बाग बाजार मठ कलकत्ता का उन्होंने सब कुछ प्रभुपाद जी को अर्पण किया, अपने जीवन का सारी एनर्जी को अर्पण कर दिया श्रीपाल जगमोहन जी प्रभु। जब ऐसा हुआ तो सारे ब्रह्मचारी सन्यासी उनकी कितनी प्रशंसा करने लगे, प्रभु आपने अपने सारे जीवन की संपत्ति गुरु जी को अर्पण कर दी, सारे जीवन की संपत्ति गुरु जी को अर्पण कर। और ये रोते रोते क्या कहते हैं, इनको अभिमान हो गया, हाँ हाँ, अरे कोई मठ में 10 लाख रुपए दे दे तो वो 10 साल तक छाती चौड़ी करके चलेगा। ऐसे भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ को भी नहीं पता होता, अपना अपना विचार है। तो ये रोते जो मठ के ब्रह्मचारी सन्यासी इनको प्रशंसा करते, ये रोते बोलते मैंने तो अपने जीवन की संपत्ति गुरु जी को अर्पण की है, शरीर तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन आप लोग धन्य हो जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर, आसक्तियां छोड़कर अपना शरीर भी, अपना मन भी और अपनी सारी क्रियाओं को अपने गुरुदेव को अर्पण कर दिया। मेरे से श्रेष्ठ आपको, आपने तो जीवन ही दे दिया, मैं तो जीवन दे नहीं पाया, मैं तो जो कमाई की उसको अर्पण किया, आप लोगों ने तो जीवन दे दिया, आप उससे श्रेष्ठ हैं। करोड़ों खरबों रुपए खर्च करके एक व्यक्ति इतनी दीनता से एक एक ब्रह्मचारी को प्रणाम कर दे कि आप लोगों ने जीवन दिया, हमने तो कुछ एक भाग दिया। तो जिस प्रकार से एक ग्रस्त व्यक्ति ये अपने मन में विचार कर ले कि हमको कैसे वैष्णव सेवा, गुरु सेवा के लिए अग्रभाग देना, कितना एक कितनी अच्छा एक विचार है अगर कोई पालन करे तो। एक और मैं बात बताता हूं, मैं था कोस्टारिका में, वो साउथ अमेरिका है, तो वहां पर कथा हुई, बहुत सारे यंग बालक बालिका लड़के लड़कियां कथा सुनने आते, बड़ा उनको अच्छा लगा, आकर्षण हुआ, कथा में भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हुई। तो वहां पर एक प्रभु थे गुरु भाई हमारे, उन्होंने कहा महाराज जी ये लोग सब अब हरि नाम लेना चाहते। मैंने बोला तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमको तो उनकी भाषा आती नहीं, स्पेनिश बोलते हैं वो लोग, तो हरि नाम लेना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं इधर माधव प्रभु से बात करता हूँ, महाराज जी को हम स्क्रीन पे ले लेंगे, तो महाराज जी स्काइप से ही हरि नाम दीक्षा दे देंगे। तो लोगों को समझा दिया, बड़े खुश हुए, उनको समझाया एक महाभागवत शुद्ध भक्त संसार में एक बहुत बड़े आचार्य भारत में भी हैं, तो उनसे हम स्काइप पे दीक्षा, क्योंकि वो लोग यहाँ आ नहीं सकते, बाबा बहुत दूर है, वहाँ से आने में 36 घंटे 40 घंटे लग जाते हैं, पैसा भी बहुत लगता है, एक कोना है संसार का दूसरा। तो जब ये बात बोली बड़े प्रसन्न हुए, तो हमने क्या किया महाराज जी को स्क्रीन पर लाए, बड़े उनका टीवी था, कनेक्शन कराया, महाराज जी स्क्रीन पर आ गए, तो कमरे में 50-60 सब भक्त बैठे थे, नए भी जो हरि नाम दीक्षा लेने चाहते हैं और गुरुदेव के शिष्य भी, सब महाराज जी को देखना चाहते थे। तो पहले तो सबको बाहर निकाला, जो दीक्षा वाले बस वही कमरे में रहे, फिर शायद सुंदर गोपाल प्रभु या माधव प्रभु थे, उनकी सहायता से महाराज जी ने सबको, मतलब उन्होंने कनेक्शन कराया और महाराज जी ने हरि नाम दिया सबको। जब हरि नाम दीक्षा ये हो गई दीक्षा 15-20 मिनट में, तो मैंने प्रार्थना की आप 15 मिनट कुछ बोल दीजिए, ये सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो प्रभु जी ने बोल दिया अच्छा ठीक है बुला लो, मैं अब कमरे में सबको बुला लिया, 60-65 लोग कमरे में बैठे और महाराज जी कथा बोलने लगे। महाराज जी कथा बोल रहे और चारों ओर मैं देख रहा हूं हर एक भक्त वहां पर रो रहा था, जो नए भी और जो गुरुदेव के पुराने शिष्य हो। मैं
देख देख के हैरान हूँ, इन्होंने पहली बार महाराज जी को देखा, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया महाराज जी का, और सिर्फ महाराज जी को सुनकर सब रो रहे। तो 20 मिनट कथा बोली तो महाराज जी का जो उत्साह देने का एक जो तरीका था शिल महाराज जी का, उन्होंने वैसा किया। और उन्होंने, मैंने एक प्रश्न किया, महाराज जी कोई विशेष निर्देश सबके लिए? तो उन्होंने एक बात कही, बोलते सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने घर में जहाँ पर मंदिर रखा होगा वहाँ पर एक गुल्लक रखो, और हर रोज एक सिक्का, दो सिक्का, एक नोट, एक बड़ा नोट के छोटा नोट, उससे मतलब नहीं, बोलते एक चुन्नी अठन्नी कुछ भी हो, हर रोज उस गुल्लक में डालना, ये विचार करके मैं वैष्णव सेवा के लिए डाल रहा हूँ, मैं वैष्णव सेवा के लिए डाल रही हूँ। तो महाराज जी ने कहा इससे हर रोज इनके दिमाग में ये आएगा, आप सबके मस्तक में ये आएगा कि मैं हर रोज वैष्णव सेवा के नाम पर अग्रभाग निकाल देती हूँ। सुबह जब आरती इत्यादि करते हैं उस समय एक सिक्का गोलक में डाल देना, और फिर वो गुरु स्थान को अर्पण कर देना जब इकट्ठा हो जाए। तो इससे क्या होगा, हर रोज एक तो वैष्णव का, वैष्णव सेवा का स्मरण, और नाम मात्र स्मरण, परंतु वो सारी सामग्री जो भी इकट्ठा हुआ वो वैष्णव सेवा में लग भी जाएगा, इससे आप लोगों को सुकृति मिलेगी, दूर बैठते हुए भी सुकृति मिलेगी। तो कथा हो गई, सब रो रहे थे। फिर मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे? तो जो गुरुजी के पुराने पुराने शिष्य थे हमारे गुरुदेव के, कहने लगे आज शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को स्क्रीन पर देखकर, उनकी कथा सुनकर गुरुजी का स्मरण हुआ है, कि ऐसे गुरुजी भी कथा बोलते थे और ऐसे ही हमको प्रेरणा देते थे, और ऐसे कभी कभी गुरुजी स्काइप पर कथा बोलते थे हम लोगों को, क्योंकि हम बहुत दूर देश में रहने वाले। आज गुरु जी का स्मरण हुआया, अपने आप को रोक नहीं पाए, सब क्रंदन करने लगे, रोने लगे, और सारे रोने लगे, सबको गुरुदेव का स्मरण हुआ। तो इससे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद है? अभेद दृष्टि रखा, अभेद, कोई भेद नहीं। और जो नए लोग हैं उनसे पूछा गया तुम लोग क्यों रो रहे हो, तुमको तो कभी कोई ऐसा वैष्णव संघ मिला नहीं। बोलते इन्होंने हमको हरिनाम दीक्षा दी, ये हमारे गुरुदेव हैं, ना जाने इनकी वाणी में क्या शक्ति है, क्या शक्ति थी, हमने जो देखा हमारे हृदय को स्पर्श कर, और मन में इच्छा हो रही थी हम बहुत ज्यादा भक्ति करें, अच्छे से भक्ति करें। मैंने समझाया क्यों नहीं होगी, एक शुद्ध भक्त जो दिन रात भगवान का स्मरण, उनकी कथा, उनका नाम में ही जो सब समय मग्न रहने वाले, क्या उनकी वाणी में शक्ति नहीं होगी? वो बंजर जमीन में, भूमि पर भी वो भगवान की भक्ति का अंकुर डाल, बीज डालते हैं, तो बंजर भूमि भी प्रसन्न हो जाती है। तो ये है वैष्णव सेवा, और ये है अग्रभाव का महत्व। ये एक नियमावली बनाने से, एक नियम बनाने से अपने को ही प्रसन्नता होगी, अपने को ही प्रसन्नता। अभी जैसे कुछ दिन कभी कोई भक्त कुछ ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, किस लिए? भाई अपने घर में तो रख लिया, लेकिन मन में ये भी चिंता होती है मठ में ब्रह्मचारी 20-25 लोग रहते हैं, थोड़ा वहाँ पर भी दें। किसने बोला? अपनी इच्छा से हमको भिक्षा देकर गए, जबकि अलाउड भी नहीं अंदर आना, फिर भी भावना है ना, एक भावना है ना, भावना का मूल्य नहीं, उसका मूल्य नहीं, उसको हम तोड़ नहीं सकते किसी चीज। तो ये तो ग्रस्त भक्त के लिए, ब्रह्मचारी के लिए अपने जीवन का अग्रभाग,
भगवान की सेवा में समर्पित करना। अग्रभाग श्रील भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक पुष्प पुराना मुरझाया हुआ वो अगर कोई हमको दे तो दे दिया तो चलो स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ किसी ने नया खिला हुआ पुष्प दे दे तो उसको देखकर ज्यादा प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जो जीवन का अग्रभाग है, जो यौवन अवस्था है, जो बाल्य अवस्था है, ऐसी अवस्था को भगवान को अर्पण करने का मतलब नया पुष्प अभी खिला है अग्रभाग अर्पण करना। और जब बूढ़ा हो गया तब दे दिया तो फिर तो और तो कोई काम नहीं था, फिर तो दे दिया फिर तो दे दिया तो दे दिया। जैसे वो एक उदाहरण है, एक व्यक्ति बड़ा कंजूस, कुछ नहीं देता। तो एक दिन मूढ़ी खा रहा था, मूढ़ी भी नहीं, खई जानते हो खई क्या होता है, खई खील, वो जो दिवाली के दिन में बांटते हैं वो सफेद रंग की, समझ गया ना, खील बोलते हैं, हाथी घोड़ा मटके में भर के दिवाली के दिन में होता है ना, तो वो कितनी लाइट वेट होती है ना, तो वो एक दाना खीर भी किसी को नहीं दे सकता। तो एक दिन खीर खा रहा था, जब खा रहा था तो आंधी चल पड़ी, जैसे कल शाम को आंधी चल पड़ी अचानक, तो जैसे आंधी चली वो खीर खा रहा था, उड़कर इधर उधर जाने लगी, तो जब उड़कर इधर उधर जाने लगी तो बोलता है उड़ती खोई उड़ती खीर गुरु गोविंद नाम उड़ती खई गोविंद नाम, जो उड़कर चली गई भगवान आपको समर्पित कर दिया क्योंकि अपने अपने हाथ में तो है नहीं, अपने बस में तो है नहीं, तो उड़ गई और धूल में चली गई, कौन एक एक को पकड़े जाएगा क्योंकि लाइट वेट है, हवा में उड़ी, बोलते जो उड़कर गई गोविंद तुमको अर्पण कर दी, गोविंद बोलते चल कर तो दी तब भी स्वीकार है, स्वीकृत है। तो जब कुछ रहा नहीं इंद्रियों में बल रहा नहीं, कुछ सेवा कर नहीं सकते हो भगवान, अब गोविंद नाम राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, अब कर दिया अर्पण। लेकिन अग्रभाग का बड़ा महत्व है, एक ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए अग्रभाग और एक गृहस्थ के लिए अग्रभाग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इस बात को गलत नहीं लेना कि आज मेरे को होश आई 60 साल की उम्र में भक्ति करनी चाहिए और मैंने अर्पण कर दिया अपने आप को तो ये तो फिर भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात किस दृष्टि से कहा जा रहा है उसको समझेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो दोष लगेगा। खटवांग राजा एक मुहूर्त में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, अब इस बात को सुनकर ये भी मत समझ लेना कंसेशन मिल गया हमको। खटवांग एक राजा हुए, जैसे दशरथ महाराज जी हुए, इतने पराक्रमी राजा कि पृथ्वी के इतने बलशाली राजा कि देवता और असुरों का संग्राम हुआ तो देवता ने इन राजा की सहायता मांगी। देखो ये कितने ऐसे उदाहरण है, देवताओं को जब जब परेशानी होती है पृथ्वी के राजाओं की सहायता मांगते हैं, दशरथ जी से मांगी ना, इसे इंद्र अपने साथ उनको स्थान देते, मुचकुंद राजा देवता उनके पास आए उन्होंने मदद की, तो इतने देवता मिलकर भी किसकी मदद मांगते हैं, पृथ्वी के राजा की, कितने बलवान है पृथ्वी का राजा समझ लो। ऐसे खटवांग राजा हुए, देवताओं की सहायता की, युद्ध जीत गए, देवता बड़े प्रसन्न, राजन मांगो हम आपको क्या दें, तो राजा भी बड़े उदार चित के, वैसे ही दशरथ जी, वैसे मुचकुंद महाराज और वैसे खटवांग जी, वो कह रहे तुम हमको क्या दोगे, हमारे कारण तो तुम लोग जीते हो, नहीं नहीं कुछ तो राजा कुछ तो बनता है देना,
बोलते हैं अच्छा इतना बताओ मेरी आयु कितनी है, इतना बता दो बस। आप लोग तो इतना तो बता सकते हो मेरी आयु कितनी बाकी बची। तो उन्होंने तुरंत हिसाब लगाया, देख लिया, बोलते एक मुहूर्त आपकी आयु बची। एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं? 36 मिनट लगभग। बोलते इतनी आयु बची। बस राजा ने देवताओं को बोला प्रणाम जाओ, और उसी समय अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया। उसी समय भगवान को अर्पण कर दिया, और उस एक मुहूर्त के अर्पण पर वे भगवत धाम भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए भागवत जी में शास्त्रों में अनेक जगह पर आप ये उदाहरण देखोगे, खटवांग राजा, जिस प्रकार खटवांग राजा, जिस प्रकार खटवांग राजा, बड़े उदाहरण देखोगे, एक मुहूर्त में जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, उनको अर्पण कर दिया बस। कैसे? मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलुतुआ पदे नंद किशोर। सिर्फ कहने से नहीं, वृत्ति से, सब कुछ, मन इंद्रिया प्राण सब एक मुहूर्त में भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान की प्राप्ति कर ली खटवांग राजा। तो जो मृत्यु के इतने निकट है, वृद्ध काल में क्या आई होगी मैं नहीं पता, लेकिन अर्पण कर दिया भगवान को, भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं किया। दूसरी ओर धृतराष्ट्र गंधारी विदुर जी ने ऐसी डांट लगाई, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया ना, ऐसी डांट लगाई, इतना तक बोल दिया, भागवत जी में लिखा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्या अब भीम के टुकड़ों पे पलोगे? लज्जा नहीं आती? शर्म नहीं है? भीम के टुकड़ों पे पलोगे अब सारा जीवन? अभी भी आंखें खुलती नहीं? भजन करो। बोलते इसलिए कहा, भाई हो तो कैसा? बोलते विदुर जी जैसा, जैसे विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया था, उस भाई का त्याग है, लेकिन भाई हो तो कैसा? विदुर जी जैसा, जो प्रेम से, डांट से, नीति से, जैसे तैसे अपने भाई धृतराष्ट्र को जब इतनी गाली दी, तब धृतराष्ट्र जी वृद्ध अवस्था में हरिद्वार में आए और गंगा जी के तट पर बैठकर दोनों ने भजन किया और दोनों ही वैकुंठ गति को प्राप्त किया वृद्ध अवस्था में। समझ रहे? तो ये उदाहरण। दूसरी और एक और विचार, सगर महाराज के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। सगर महाराज के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, कपिल देव जी के शाप के कारण नहीं, लेकिन कपिल देव के चरणों में अपराध के कारण भस्म हो गए। कपिल भगवान ने शाप नहीं दिया, कोई महाभागवत कोई भगवान अवतार ऐसा शाप नहीं देता कि भस्म हो जाओ, लेकिन चरणों में अपराध हुआ भस्म। इसलिए उपाय बताया गया, शॉर्ट में बोलता हूँ, उपाय बताया गया कि गंगा जी आएंगी और गंगा जी का स्पर्श हो जाएगा तो ये उद्धार हो जाएगा। अब सगर महाराज ने प्रयास कर लिया, फिर आगे दिलीप, अंशुमन, कितने कितनों ने प्रार्थना की गंगा जी आ जाए, गंगा जी आई, भगीरथ जी ने की गंगा जी आ गई, औरों ने की गंगा जी आई नहीं, वंश तो वही है, भगीरथ जी ने किया क्यों आई? कोई कनेक्शन था क्या भगीरथ जी का? कोई कनेक्शन नहीं था। और सबने अपना जीवन सब कुछ राजा के रूप में भोग इत्यादि करके तो गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन भगीरथ जी ने अपना जीवन का अग्रभाग अर्पण किया, तपस्या की अग्रभाग, और इस कारण से गंगा जी आई, अपने जीवन का अग्रभाग अर्पण किया। इसलिए गुरु वैष्णव की बड़ी कृपा, कोई पिछले जीवन का संस्कार या फिर कोई छोटी मोटी अनजाने में कोई सेवा हो गई जिस कारण से आज हम लोग मठ में वास कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात है? हम लोग इसका गुरुत्व नहीं समझते इसलिए इसको साधारण समझते हैं, ये साधारण नहीं है, इसका गुरुत्व समझो, इसकी ग्रेविटी समझो।
सुबह से रात तक नवविधा भक्ति का याजन अपने आप हो जाता है। किसी किसी का अपने आप नहीं होता, बोलकर करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। सुबह से मंगल आरती से लेकर स्नान इत्यादि, वस्त्र बदलना, तिलक धारण करना, द्वादश तिलक धारण करना किसके लिए किया जाता है? ठाकुर जी की आरती में आना, शरीरगत अनुशीलन है ना, मनोगत अनुशीलन है ना, आत्मगत अनुशीलन है कि नहीं। हर वो क्रिया, वस्त्र को धोना भी इसलिए कि मैं मठ में वास करता हूं, पवित्र रहना है। तिलक धारण किया जाता है इसलिए मैं ब्रह्मचारी सन्यासी हूं, ग्रस्त हूं, कोई भी सबके लिए एक बात बोल रहा हूं, सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए नहीं बोल रहा। तो जो सारी क्रिया उसके सेंटर कौन रहते हैं? राधा माधव जी। खाने को भी क्या मिल रहा है? प्रसाद। दर्शन भी क्या हो रहा है? ठाकुर जी का। रोज सुबह मार्जन होता है, सफाई होती है, सब लोग करते हैं। अमरीश महाराज क्या करते थे? करोर हरि मंदिर मार्जनेशु, अपने हाथों से अमरीश महाराज इतने बड़े राजा होकर मंदिर की सफाई करते थे, नौकर वोकरों से नहीं कराते थे, अपने हाथ से। इससे हमारा चित्त रूपी दर्पण मार्जन होता है, अपने हाथों से। ठाकुर जी हर रोज सुबह हम लोग सफाई करते हैं सब मिलकर, और फिर बैठकर भगवान भगवत आलोचना, भगवत की, भगवान की कथा सुनते हैं। एक घंटा अष्टकम का पाठ होता है, सारे अष्टकम पढ़े जाते हैं। तो सबकी अलग अलग सेवाएं, माता रसोई में होगी, प्रभु अपनी तैयारी कर रहे होंगे अर्चन की, कुछ लोग ऊपर होंगे, कुछ वहाँ होंगे, चार यहाँ बैठकर कीर्तन कर रहे होंगे। कान में आवाज़ तो जा रही है कि नहीं? सुनते सुनते स्मरण हो रहा है कि नहीं? याद हो रहा है कि नहीं? ये भी मंगल है। अमंगल है कहाँ? खाने को प्रसाद मिल रहा है, आंखों से भक्तों का दर्शन मिल रहा है, आंखों से श्री विग्रह का दर्शन मिल रहा है, कानों से कथा सुनी जा रही है, हाथों से सफाई हो रही है, पैरों से परिक्रमा हो रही है, और फिर सात आठ घंटे दंडवत प्रणाम भी हो रहा है। किसी का छह घंटे, किसी का पांच घंटे, किसी का आठ घंटे दंडवत प्रणाम भी हो रहा है। समझ रहे हैं ना? दंडवत प्रणाम है कि नहीं? नवविधा भक्ति का याजन होता है कि नहीं? विचार कर लो कितनी ग्रेविटी है मठ में ये वास करना, इस सबके सहयोग में, सबके भाग्य में नहीं आता। इससे संस्कार बन रहा है। माधव पिपू से बात कर रहा था, हम लोग हरिनाम करते कुछ आलोचना करते हैं, शास्त्र किसी विचार पर संस्कार किसी का यदि नहीं है, वो भक्त के घर में भी जन्म लेगा तभी भक्ति नहीं करता। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र है, पिता कैसा है और पुत्र कैसे हैं? प्रहलाद जी, प्रहलाद जी का अपना ही पुत्र विरोचन भक्त है, असुर है, अपना ही पुत्र, और आगे विरोचन जी के पुत्र बलि महाराज कितने बड़े भक्त हैं, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के पुत्र हैं, उनमें से कितनों ने भक्ति को अवलंबन किया, कितनों ने नहीं किया, ओके नहीं? ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हैं, सबसे श्रेष्ठ भरत महाराज, जिनके नाम से भारत पड़ा, परम भक्त हैं। फिर नव योगेंद्र हुए, बाकी सब कर्मकांडी। संस्कार, एक व्यक्ति जंगल में भी बैठा हो ना, असुरों के बीच में भी बैठा हो ना, शूद्र जन्म भी हुआ हो ना, संस्कार है ना कहीं वो जुड़ जाएगा। और यदि संस्कार नहीं हो तो कितना माथा पीट लो, अरे नाम कर ले, अरे ये कर ले, जबरदस्ती होगा। संस्कार नवविधा भक्ति का याजन करने से संस्कार पुष्ट होता है। तो मत सोचो हम 2 वर्ष 4 साल 5 साल 15 साल 20 साल मठ में रहे कुछ भी हासिल, वही खाना पीना हो रहा है,
वही सब हो रहा है। अरे वो सब तो हो रहा है और आंतरिक रूप से क्या हो रहा है, संस्कार बन रहा है। यही संस्कार हमको अगले जन्म में और जन्म में और उन्नति और उन्नति और उन्नति और उन्नति में ले जाएगा। ये संस्कार कहीं पर भी जन्म क्यों ना हो, और ये सिर्फ ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं, ग्रस्त का भी है, उनका भी संस्कार बनता है श्रवण करने से। श्रवण करने से उत्साह प्रेरणा मिलती है, फिर भक्ति करते हैं, नाम किया जाता है, गुरु स्थान की सेवा की जाती है। जितना किसी का बन पाए उतना गुरु स्थान के प्रति सेवा का भावना रहती है। ये सब दिया जाता है, इससे संस्कार बनता है। बहुत सारे विचार हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ यौवन अवस्था चले गए, अपना बूढ़ा हो गया, अब तो फिर भगवान स्वीकार करेंगे नहीं, मैं तो पुराना फूल हो गया, ये बात नहीं है। हर आयु में भगवान की सेवा हो सकती है। इसलिए जैसे एक व्यक्ति संन्यास आश्रम वैरागी आश्रम में भगवान जगत की चिंता करता है, गृहस्थ वाले भी बहुत करते हैं, भक्त है ना, भक्त का यही होता है सारे जगत का मंगल हो। इसलिए कहा संपूर्ण जगत मेरे प्रभु का गुणगान करे, ये भावना रहती है। ऐसे ऐसे भक्तों को देखता हूं, अब हम लोग तो ऐसा कभी करते कभी नहीं करते। दिल्ली में भक्त लोग हैं कुछ ग्रस्त, वो नाम बुलवाएंगे बुलवाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, प्लेन में बैठेंगे, वो एयर होस्टेस करती है ना, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, हरे कृष्णा, और वो तो फिर हाथ जोड़ लेती है, हंस देती है, बोलते नहीं बोलो हरे कृष्णा, उसको बुलवाए के छोड़ेंगे उसे, राधा माधव जी उनसे हरे कृष्णा बुलवा के छोड़ेगी। उसका संस्कार बड़ा ना। चाइना में एक माता है, चाइना में तो भगवान का नाम लेना मतलब भैया सूली पे चढ़ा देंगे, चाइना का तो नाम ही ना लो भाई। चाइना के भगवान कौन है? वो खुद ही भगवान है। अच्छा छोड़ो, मैं वहां पर यज्ञ करने के लिए बैठता हूँ, घी नहीं है यज्ञ करने के लिए, घी नहीं मिलता यज्ञ करने के लिए। तो एक माता है वहां पर, यहाँ परिक्रमा में आती है, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, एयरपोर्ट से हमको रिसीव करेंगी, हमारे साथ एक दो भक्त और होते हैं, चार लोग हम गाड़ी में, वो रास्ते में जहाँ ब्रेक लगेगी साथ वाली गाड़ी खड़ी होगी रेड लाइट पे, हरे कृष्णा, उसको क्या पता ये क्या बोला, हरे कृष्णा, उससे बुलवा के छोड़ेगी। टोल पर पैसे टोल टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलेगी हरे कृष्णा, उससे बुलवा के छोड़ेगी। सब्जी लेने जाएगी, कुछ भी जाएगी, फूल लेने जाएगी ठाकुर जी के लिए, बस सबसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब क्या हो गया, वो सब्जी मंडी वाले जहाँ पर सब्जी लेने जाती है, वो आपस में वो हरे कृष्णा वाली आ गई, मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं, हम तो समझ नहीं पाते उनकी भाषा, लेकिन हरे कृष्णा सब ऐसे बुलाते हैं। तो एक बार मैंने उससे पूछा, तुमको डर नहीं लगता, यहाँ तो पुलिस पकड़ के ले जाती है? बोलती है मेरे मन में एक इच्छा, सारे लोग भगवान का नाम करें जैसे हम लोग करते हैं, ये लोग क्यों नहीं करते, इनको भी करना चाहिए। तो मैं देखकर एक माता के अंदर भी जो ऐसे देश में रहती, उस माता के अंदर भी ये भावना है, ये एक भक्त स्वभाव लक्षित होता है कि मैं तो करता हूं, सारे करें, सारे भगवान का नाम। वो जहाज में बैठकर अब 10-10, 15-15 घंटे की फ्लाइट, पागल हो जाए बंदा बैठे बैठे, तो उठकर मैं माला करने लग जाता हूँ, पीछे चला जाता हूँ, थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ, आधा घंटा खड़े ही हो जाए भाई, तो पीछे वो जो जहाज में वो जो क्रू होता है वो पूछता है, बोलता है फ्रैक्चर फ्रैक्चर माला देखे बोलते फ्रैक्चर हो गया, मैं तो भाई फ्रैक्चर नहीं, फिर निकाल के दिखाता हूँ माला, कहता है ओ वर्शिप वर्शिप, मैंने कहा हाँ, मैं तो बोलो हरे कृष्ण, व्हाट व्हाट
हरे होता है, हरे रहे नहीं, हरे और फिर कृष्णा। मैं इसको तीन बार बोलवाता हूँ, हरे कृष्णा बोलता, हरे कृष्णा फिर बोलता हूँ, हरे कृष्णा पूरा महामंत्र होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद फिर जूस भी ज्यादा देने आता है। चलो गौर कृपानंदे हरि हरि श्री राधा माधव जी की जय।